आनंद, खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने के आरोप में दो सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। शेषनाथ प्रसाद और रंजीत कुमार को सस्पेंड किया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जांच में दोनों दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। दोनों सिपाहियों पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। आपको बता दें कि इसी साल 23 मार्च को विधानसभा में विधायकों के साथ बर्बरता की गई थी। पुलिस ने 20 से 25 विधायकों के साथ बर्बरता की थी। दो सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी हो रही है। विपक्ष सरकार पर दो सिपाहियों को बलि का बकरा बनाने का आरोप लगा रही है, जबकि सत्ता पक्ष इस कार्रवाई का समर्थन कर रहा है। लेकिन इस एक्शन पर सवाल उठ रहा है कि इतने विधायकों के साथ बर्बरता हुई और इसके लिए सिर्फ दो सिपाही दोषी पाए गए। क्या विधानसभा में पुलिस का कार्रवाई के लिए सिर्फ दो सिपाही दोषी हैं? सिपाहियों पर यह कार्रवाई किसी को हजम नहीं हो रही है और विपक्ष अब इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये जो दो सिपाही दोषी पाए गए हैं, इन्हें कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया गया। तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं, उस दिन की तस्वीर, जिस दिन आपको ये बता दें कि विधानसभा के बाहर जो तस्वीरें हुई थी, देख सकते हैं आप, महिलाओं के साथ भी, महिलाएं जो विधायक थी उनके साथ भी इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया था और विपक्ष की तरफ से उस दिन काला दिवस घोषित किया गया था कि देखिए लोकतंत्र की बात कही जाती है, लोकतंत्र में सबको हक है अपनी बात रखने का। और उसके बाद जब विपक्ष ने मुद्दे को उठाया था तो किस तरह से कार्रवाई की गई थी और क्या कुछ बर्बरता की गई थी पुलिस की तरफ से, आप ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब जाकर कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर दो सिपाही को यहां पर सस्पेंड किया गया है। एक अयोग्य पुलिसकर्मी होने का स्पष्ट परिचायक तथा उक्त कर्मी के द्वारा इस प्रकार के किए गए कार्य पुलिस विभाग की छवि को भी धूमिल किया है, इसलिए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, छोटा सत्र है ये, 5 दिवसीय, और इसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही है। साथ ही साथ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होगी और इस बार खास बात ये है कि सुरक्षा के जो एहतियाती कदम है उसके मद्देनज़र पूरा जो विधानसभा है इसके चारों ओर 6 वॉच टावर जो है वो बनाए जा रहे हैं, जहाँ से निगरानी रखी जाएगी। और ख़ास बात यह है कि विपक्ष ने इस बार जो एक रणनीति बनाई थी कि पिछले जो सदन के दरमियान आखिरी दिन जो जिस तरीके से हंगामे की स्थिति और हाथापाई की नौबत आई थी और जो एक अप्रत्याशित दृश्य नज़र आया था, इसको लेकर बेहद किरकिरी हुई थी और विपक्ष ने ये उम्मीद की थी कि इस पर कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई की बात सामने नहीं आ रही थी। लेकिन बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि 2 पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हुई है, तो कुल मिलाकर सदन की कार्रवाई जो है वो हंगामेदार होने की उम्मीद है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के दूसरे वेव के दरमियान जो स्थिति हुई थी स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था को लेकर, इसको लेकर भी सदन के बाहर अंदर मामला जो है वो उठेंगे। इसके अलावा दोनों सदन में, यानी परिषद और विधानसभा दोनों में जो सचिव का पद है वो रिक्त है, और परिषद की बात कर ले तो वहाँ पे जो चेयरमैन का पद है वो सभापति हैं, वो कार्यवाहक हैं, और साथ ही साथ उप जो डिप्टी चेयरमैन हैं उनका पद जो है वो भी खाली है। तो बहरहाल इन परिस्थितियों के बीच में जो 5 दिवसीय मानसून सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है जुलाई में 26 तारीख को, और इस दरमियान पूरी जो मुकम्मल व्यवस्था होती है सदन चलने के दरमियान वो यहाँ पे पुख्ता कर ली गई है। और अब ये देखना है कि किस तरीके से विपक्ष मुद्दों को लेकर यहाँ पे अपनी बातों को रखेंगे और इस तरीके से सदन की कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि 6 महीने बाद सदन की कार्रवाई जो है वो संचालन वो ज़रूरी होता है। और इसी के तहत ये मानसून सत्र यहाँ पे छोटा करके बुलाया गया है कोरोना संक्रमण के लिहाज से, और वैक्सीन लेकर ही लोग अंदर आए इस बात को लेकर भी तरजीह दी गई है, और इन तमाम प्रोटोकॉल और व्यवस्था के बीच में सदन की कार्रवाई शुरू होगी। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।
एक कहावत है देहात में कि खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा, वही बात है। यहाँ पे स्थिति है कि जब लोग ये विधानसभा के परिसर में खुद जिलाधिकारी ही नहीं, बिहार के पुलिस महानिदेशक, जिलाधिकारी, सीनियर एसपी वगैरह जैसे पदाधिकारी जब वहाँ उपस्थित थे और उनके उपस्थिति में ये सारी घटनाएं हो रही थी, तो सबसे बड़ा जिम्मेवारी उन पदाधिकारियों पर है, क्योंकि उनको अपने सिपाहियों को या अपने मातहत कर्मचारियों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। सिर्फ दो सिपाहियों को निलंबित करके आप क्या बताना चाहते हैं? ये खानापूर्ति है, महज खानापूर्ति, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जो दोषी हैं उनको इसकी सजा मिले, इसके पीछे जो लोग हैं उसको सजा मिले, बाहरी लोग कैसे अंदर आए ये महत्वपूर्ण है, इसकी जांच हो और उन्हें ढूंढ कर उन्हें सजा मिले। March 23, 2021 को जो बिहार विधानसभा में हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। विपक्ष के लोगों द्वारा जिस तरह हंगामा किया गया और साथ ही पुलिस ने उस हंगामे को रोकने के लिए जो कार्रवाई की, एक तरह से अप्रत्याशित घटना घटित हुई थी। आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। अब इस घटना के जांच में जो पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं उनको निलंबित करने का काम इस सरकार ने किया है। हमें अपने विपक्ष के साथियों से यह आग्रह करना है कि कृपया आप लोग भी सदन की मर्यादा का ख्याल रखें, इस बात को समझें कि सदन जनता के पैसों से जनता के लिए चलता है, तो इस हल्ले हंगामे से दूर होना चाहिए सब कुछ। और रहा सवाल कि इनका रवैया, तो इनका रवैया तो हमेशा से नकारात्मक रहा है। इन लोगों ने कब किसी कार्रवाई को उचित या सही ठहराया है? तो ये तो विपक्ष का पहले से जीता जागता रवैया रहा है। यह सरकार नियमों पे चलती है, रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। ये वही लोग बोल रहे हैं जो लोग अपने गरिमा में झांक के देखे, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो ये राजद के लोग हों या महागठबंधन के लोग हों, ये लोग हर चीज में डिस्टर्बेंस करते हैं। तो आप देख रहे हैं इस पर सियासत होनी शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि क्या ये वाकई एक्शन लिया गया है कि सिर्फ खानापूर्ति है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि देखिए एक्शन तो लिया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष देखिए, 23 मार्च को जो हुआ ये वाकई कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के लिए सही तस्वीर नहीं थी। तस्वीरें अभी भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि 20 से 25 विधायक करीब थे जिनके साथ बर्बरता की गई, क्या उसके लिए सिर्फ दो सिपाही जिम्मेदार हो सकते हैं? क्या आपको लगता है वाकई ये सिर्फ खानापूर्ति की गई है? देखिए अंजलि, ये पहले से ही तय था कि कुछ इसी तरह की कार्रवाई होगी। आप बर्बरता कह रही हैं, ये ठीक बात है, ये एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू भी आपको देखना होगा कि उस दिन हुआ क्या था। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम पेश होना था सदन में, और सबसे खास बात ये थी कि विपक्षी दल के विधायकों ने स्पीकर का चैम्बर लॉक कर दिया था। स्पीकर को सदन के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। विपक्षी दल के जो विधायक थे वो स्पीकर के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उनके जो चैम्बर का दरवाज़ा था उसको बंद कर दिया गया था। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर निकल कर सामने आई कि जो विपक्षी दल के विधायक थे वो स्पीकर के चेयर तक पहुँच गए थे, विरोध करने का एक अलग पैटर्न देखने में आया। अगर जब स्पीकर को बंद कर दिया गया था उनके चैम्बर में, तो फिर उनके जगह पर सभापति को बैठाया गया था, और सभापति के सामने जब विधेयक की कॉपी रखी गई तो उसे फाड़ दिया गया। तो विरोध का एक तरीका होता है, वो तरीका ज़रूर होना चाहिए, लोकतंत्र में विरोध की अपनी जगह है, लेकिन एक मर्यादा होनी चाहिए, और मर्यादा विपक्ष के तरफ से भी टूटी, और मर्यादा रूलिंग पार्टी यानी ये कहें कि सरकार के तरफ से जो पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँचे थे, डिपोट हुए थे, जो रोकने के लिए तमाम चीज़ों को नियम, वहाँ से भी टूटे, क्योंकि पुलिसकर्मियों को ये अधिकार नहीं था कि आप विधायकों पर हाथ छोड़ सकते हैं।
ये बात ज़रूर थी कि पूरा मामला कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उस दिन कुछ पत्रकार भी मोबाइल के जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उस उन पुलिसकर्मियों ने उनके साथ भी मारपीट की थी। तो दो नियम कह सकते हैं, उल्लंघन, नियम का उल्लंघन दोनों तरफ से हुआ और मर्यादाएं दोनों तरफ से टूटी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि विपक्ष को सियासत का एक मुद्दा चाहिए, वो मुद्दा अभी विपक्ष के हाथ में है, क्योंकि ये सिर्फ महज खानापूर्ति ही इसे कहा जाएगा कि दो सिपाहियों के निलंबन के जरिए पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है। अब विपक्ष तो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया गया इन दो सिपाहियों को, कई और भी अधिकारी मौजूद थे। बिल्कुल, लोकतंत्र में देखिए सबको अधिकार है मुद्दे उठाने का, जिस तरह से विपक्ष ने उठाया वो भी एक नजीर सही पेश नहीं किया गया जनता के लिए। तो दूसरी तरफ जो प्रशासन आई थी, जो सत्ता पक्ष अगर एक तरफ से कह रहा है कि ठीक है हमने कार्रवाई की, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक सही एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी? विधायक को जिस तरह से घसीटा गया, ये तो सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, आपको क्या लगता है अब इस पर बिहार की सियासत में और ज्यादा गर्माहट देखने को मिलेगी? नहीं, स्वाभाविक तौर पर मानसून सत्र में ये एक अहम इशू होगा। आपको याद होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें जो पूरे घटनाक्रम के लिए दोषी हैं, और कार्रवाई के नाम पर जो बातें सामने आई, जिन दो लोगों को निलंबित किया गया, वो सारी चीज़ें लोगों के सामने है। लेकिन विपक्ष इस मसले से खुश नहीं है, और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार को सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। तो फिलहाल नीतीश कुमार ने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। तो कल 25 तारीख को इसी पूरे मसले पर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया है, और जितने भी विपक्षी दल के विधायक हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और उस दिन ये तय किया जाएगा कि क्या वाकई सदन में उन लोग